यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और अगली खबर शिमला से, जहां पर नगर निगम और सफाई कर्मचारियों की बैठक जो है वो बेनतीजा रही है। काफी लंबे समय से जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर थे और जो भी उनकी बातचीत हुई उच्च अधिकारियों के साथ, तो उन्होंने जितनी भी मांगे थी वो मानने से मना कर दिया। निगम ने किसी भी शर्त को मानने से इनकार किया है और सफाई कर्मचारी मांगे नहीं मानने तक हड़ताल पर अब आगे अड़ गए हैं। और कर्मचारियों ने 6 महीने में नीति बनाकर नियमित करने की मांग की थी। नियमित ना होने तक न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, न्यूनतम वेतन की उनकी मांग की गई थी, पक्का करने की मांग की गई थी। जितनी भी मांगे हैं, जितनी भी शर्तें हैं वो निगम द्वारा नामंजूर कर दी गई हैं, जिसको लेकर जो नगर निगम और सफाई कर्मचारी के कर्मचारी हैं उन्होंने आगे हड़ताल को और तेज करने के लिए चेतावनी दे दी है। और इस वजह से जगह जगह शिमला में गंदगी के ढेर लग गए हैं और आगे भी ये गंदगी बढ़ सकती है, क्योंकि जितने भी ये कर्मचारी हैं वो सभी हड़ताल पर चले गए हैं। और नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का कहना ये है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आगे भी हड़ताल पर रहने वाले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उमेश शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से जुड़ गए हैं। उमेश, जितने भी नगर निगम के जो ये सफाई कर्मचारी हैं ये हड़ताल पर चले गए हैं और ऐसा सुना जा रहा है कि इनकी जो मांगे हैं वो मानने से मना कर दिया है निगम ने। हाँ जी कृति, ये इनके पीछे एक लंबे दौर की कल बैठक चली थी, लगभग 4 से 5 घंटा बैठक चली थी। नगर निगम के जो तमाम जो पदाधिकारी थे, मेयर, डिप्टी मेयर और बाकी जो लोग कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सारे लोग इस बैठक में मौजूद थे और कर्मचारी जो नेता थे वो लोग भी मौजूद थे। तो कर्मचारियों की यही मांग थी कि लगातार 4 से 5 बार इनके साथ जो वादे किए गए थे, जो इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था उसको लागू करने में नगर निगम नाकाम रहा। नगर निगम हालांकि दावा कर रहा था कि इनके बीच का रास्ता निकालेंगे, लेकिन कल जो बीच का रास्ता निकालने के लिए कोशिश की गई थी वो विफल रही। और जो सहब सोसाइटी कर्मचारी थे उन्होंने निगम का जो प्रस्ताव था उसको मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे हैं, हमारी जो मुख्य मांगे हैं जिसमें वेतन वृद्धि है, नियमितीकरण है और वेतन भत्ते और छुट्टियों को लेके जो मसला था वो जस का तस अटका हुआ है और अभी इस पे कोई रास्ता नहीं निकल पाया। और इस तरह से जो एक उम्मीद शहर के लोगों को थी कि उनको जहाँ पानी की घोर संकट से गुजरना पड़ा, लगभग 10 दिन 15 दिन तक घरों में पानी नहीं आ रहा, कूड़े के भी बड़े बड़े ढेर लग गए हैं। तो इसी हिसाब से देखा जाए नगर निगम जनता की समस्याओं को सॉल्व करने में जी, इसका निदान करने में नाकाम रहा हूँ और एक बार फिर से जनता को निराशा लगी। और सोसाइटी कर्मचारियों ने सफाई कर्मचारियों को उनकी मांगे मानने से मना तो कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके जो शिमला में है गंदगी के ढेर लग गए हैं तो उस पर प्रशासन क्या आगे कर रहा है? देखिए, सिर्फ गंदगी की ही बात नहीं है, जीने के लिए सबसे जरूरी होता है पानी। 10 से 15 दिनों में जिन घरों में पानी नहीं आएगा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन परिवारों की क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि शिमला पहाड़ पे बसा हुआ है, यहाँ ऐसी कोई सोर्स भी नहीं है जहाँ से लोग पानी ला सकते हैं। आपको जानकारी होगी कि विगत 2 सालों में शिमला में पीलिया फैलने से, गंदे पानी पीने की वजह से लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली इस बात का अंदाजा लगा सकते कि निगम कितना संवेदनशील जनता की समस्याओं को लेकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए था या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन दोनों चीजें नहीं की गई है और जनता को उनके भरोसे छोड़ा गया। 15 दिन तक पानी नहीं आएगा शहर में, घरों में जनता का क्या कहना है, स्थानीय निवासी वहां पर क्या कह रहे हैं? देखिए, जनता अपने अपने स्तर पर जितना विरोध कर सकते कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि कई क्षेत्रों में बड़े विरोध की तैयारियां चल रही है, लोग चक्का जाम तक करने की धमकी दे रहे हैं। अब देखना है कि लोग कितना पेशेंस दिखा पाते हैं, क्योंकि पानी नहीं होगा तो पेशेंस दिखाना मुश्किल। कूड़ा तो चलो माना जाता है कि लोग अपने घरों से दूर रख के कूड़ा सड़कों पर या कहीं डंपर पर रख सकते हैं, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं होगा तो समस्या इतनी विकराल होने वाली है। नगर निगम सिर्फ बैठ के करके ये बताने की कोशिश कर रहा कि उन्होंने प्रयास किए, लेकिन उनके प्रयास जमीन पर नहीं उतर पा रही और जनता त्राही त्राही मचा रही। तो क्या कोई आगे समझौता हो सकता है नगर निगम और जितने भी सफाई कर्मचारी इनके बीच में? देखिए, नगर निगम
को संवेदनशील होना चाहिए, इनकी क्या मांगे उन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि शहर का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये चैलेंजिंग स्थिति प्रदेश के लिए है, राजधानी है, दुनिया भर से शिमला में टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए भी पानी की खपत होती है, उनके लिए सफाई व्यवस्था भी चाहिए। तो ऐसे में जब स्मार्ट सिटी का दावा किया जा रहा है तो ऐसे में शहर में ना पानी है, बिजली के कट लग रहे हैं और शहर में कूड़े के ढेर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर की स्थिति क्या होने वाली है। जी उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जितने भी नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं और इस वजह से गंदगी तो एक बड़ी समस्या है, इसके साथ ही 10-15 दिन से लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है और इसके चलते लोगों ने भी आगे चेतावनी दे दी है प्रशासन को कि वो चक्का जाम करके इसका विरोध करेंगे, यानी कि नगर निगम और सफाई कर्मचारी के जितने भी व्यक्ति हैं उनको आपस में बैठकर समझौता करना होगा ताकि जनता को सभी सुविधाएं जल्द से जल्द मुहैया करवाई जा सके।